डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले दिन प्रकाशिक समावयवता के बारे में पढ़ रहे थे, चलिए उसके आगे हम लोग कुछ चैप्टर को पढ़ना, कोई टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर उन लोग उस टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे कि क्या बोला जा रहा है। तो चलिए टॉपिक्स बनाते हैं। असममित कार्बन परमाणु, असममित, असममित, असममित कार्बन परमाणु, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं किरल कार्बन, ठीक है, असममित कार्बन परमाणु या इसी को हम लोग किरल कार्बन भी बोलते हैं, किरल कार्बन, ठीक है। यानी कि जो हम लोगों का आज टॉपिक्स है इसको हम लोग सीखेंगे कि असममित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं और किरल कार्बन क्या कहलाता है, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके नीचे एरो देकर कुछ लिखा जाए कि आखिर असममित कार्बन परमाणु या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं किरल कार्बन, ध्यान दीजिएगा किरल, किरल कार्बन क्या होता है, उसके नीचे एरो देकर लिखा जाए। किसी अणु का वह कार्बन परमाणु, किसी अणु का वह कार्बन परमाणु जो जो चार विभिन्न समूह, जो चार विभिन्न समूह से जुड़ा रहता है, से जुड़ा रहता है, वह असममित कार्बन परमाणु, वह असममित कार्बन परमाणु कहलाता है, असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट एरो में लिखेंगे इसे, इसे सी स्टार द्वारा सूचित करते हैं। देखिए यहां पे सी स्टार, इसको क्या पढ़ेंगे, सी स्टार द्वारा सूचित करते हैं, इसे सी स्टार द्वारा सूचित करते हैं। चलिए अब हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि आखिर ये किरल कार्बन किसे कहते हैं, किरल कार्बन क्या होता है। तो वैसा कार्बन जो चार अलग अलग समूह से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग किरल कार्बन या असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। असममित या किरल का मतलब यह हुआ कि एक ही कार्बन परमाणु के साथ चार अलग अलग समूह का जुड़ना, ठीक है। चार अलग अलग समूह अगर किसी किसी कार्बन से जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, किरल कार्बन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं, तभी इस चीजें हम लोगों को समझ में आएगा कि आखिर किरल कार्बन क्या है और इसे सी स्टार से सूचित किया जाता है। देख पा रहे होंगे सी के ऊपर क्या है, स्टार बनाया हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं किरल कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, किरल कार्बन। चलिए जरा देखते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पे। जैसे मान लिया फर्स्ट एग्जांपल, अगर मान लिया कि कोई कार्बन है और इस कार्बन से चार समूह जुड़े हुए हैं, ए बी डी ई, एक ही कार्बन है और कार्बन तो जानते हैं चार बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन से जो चार जुड़ा हुआ है वो चारों क्या है, अलग अलग है, एक ए है, बी है, डी है और ई है, चारों अलग अलग है, इसलिए इसमें बोलेंगे कि सी स्टार कितना बन रहा है, वन। यहां पे सिर्फ स्टार बन रहा है। एग्जाम्पल नंबर टू लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है।
सी कार्बन, कार्बन एक तरफ बी जुड़ा हुआ है, एक तरफ एम जुड़ा हुआ है, एक तरफ बी, एक तरफ ए, एक तरफ टी, एक तरफ वाई। अब देखिए तो क्या आपको पता चलेगा, इसमें हम लोग सी स्टार पता करना है कि इसमें आखिर सी स्टार कितना बन रहा है, यानी कि इसमें किरल कार्बन कितना है, ये सवाल पूछा जा रहा है। सबसे पहले कार्बन इसमें कितना है, तो दो ठो कार्बन है, एक यहां कार्बन है और एक यहां कार्बन है। ये जो कार्बन है कितना बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड, और चार बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि चार वो अलग अलग समूह जुड़ा हुआ रहेगा, समझ रहे ना। जब कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो चारों क्या होंगे, तो अलग अलग समूह बनाएंगे। यहां पे देख पा रहे होंगे, इस कार्बन को अगर हम लोग पकड़े हैं तो एक यहां पे जुड़ रहा है, एक यहां पे जुड़ रहा है, एक यहां पे जुड़ रहा है, और ये एक बॉन्ड है इसमें पूरा जुड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये कार्बन को हम लोग अभी फिलहाल लिए इस कार्बन पे, तो कार्बन के चारों ओर यही ना चीजें जुड़ रही है, तो क्या चारों अलग अलग है। यहां पर देखिए एक ए है, एक बहुत सारा, ये भी तो अलग है ना, सी एम टी वाई ये सब अलग हो गया, लेकिन ये दोनों क्या होगा, दोनों सेम सेम हो गया, इसलिए यहां पे स्टार नहीं बनेगा, यहां पे स्टार नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इस कार्बन से जो चारों तरफ जुड़ रहे हैं, चारों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ए है, ये इतना बड़ा है तो अलग है, लेकिन ये बी बी हो रहा है, यानी कि सभी चीजें बराबर नहीं होना चाहिए, चारों अलग अलग होना चाहिए। तो यहां से देख पा रहे होंगे चारों क्या है, अलग अलग है, सॉरी कोई भी दो ठो अगर सेम हो गया वहां पे किरल कार्बन नहीं बनेगा, यहां पे किरल कार्बन नहीं बना। अब जरा हम बात करते हैं इसको, इस कार्बन को देखते हैं, ये भी हम गोला घेर रहे हैं, बाद में गोला नहीं घेरेंगे, भी आपको समझाने के लिए हम गोला घेर रहे हैं, ठीक है। इस कार्बन पे देखा जाए तो एक कार्बन जो है इससे कौन कौन से चार अलग अलग समूह जुड़ रहे हैं, एक एम, एक टी, एक वाई, एक इतना सारा बड़ा, ठीक है। तो इस कार्बन के वजह से जो चार जुड़ रहे हैं चारों तरफ से, चारों क्या अलग अलग कि सेम सेम, तो चारों अलग अलग, मतलब इतना बड़ा, ये एम, ये टी और ये वाई, तो चारों अलग अलग है, इसलिए यहां पे सी स्टार बनेगा। तो यहां पे भी सी स्टार का वैल्यू कितना हो गया, वन। गोल घेरना नहीं है आपको, हर कार्बन पे बैठना है, हर कार्बन पे बैठना है, बैठने के बाद आपको चारों तरफ देखना है कि वहां पे किरल कार्बन बन रहा है कि किरल कार्बन नहीं बन रहा है, यानी कि चारों जो सब्स्टिट्यूएंट है, या फिर बोल सकते हैं कि चारों जो जुड़ रहे हैं वो चारों अलग हैं कि नहीं अलग है। तो यहां पे सिर्फ एक ही स्टार बनेगा क्योंकि इसी स्टार पे चारों अलग अलग है। चलिए अगला एग्जांपल की ओर करते हैं, तीसरे नंबर, दो एग्जांपल हो गया, तीसरा नंबर कुछ ऐसा बोला जा रहा है, तीसरा CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, हर कार्बन पे आपको बैठना है और वो जो चारों तरफ उसके जो चारों ओर बॉन्ड बनेगा उसको जरा केयर करना है कि चारों अलग अलग है या नहीं है। अगर चारों अलग अलग रहेगा तभी हम बोलेंगे कि किरल कार्बन है, वहां किरल कार्बन बन रहा है। तो चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो CH3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो इस कार्बन से तीन गो हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये हुआ, फिर बॉन्ड, फिर CH का मतलब एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऊपर चाहे किधर भी, और नीचे क्या है CH3, फिर बॉन्ड है, बॉन्ड दे दिए। CH2 का मतलब कि एक कार्बन से एक ऊपर हाइड्रोजन जुटना, एक नीचे हाइड्रोजन, तो CH2 मिल गया।
फिर एक बॉन्ड, फिर सी से मिल गया हाइड्रोजन 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 तीन। अब क्या हम बोले कि किरल कार्बन, अच्छा ये यहां पे भी एच थ्री है ना, तो इससे भी तीन टू हाइड्रोजन क्या होंगे, एड होंगे। तो इस तरीके से हम लोग का स्ट्रक्चर बन गया है। और सब कार्बन पे बैठकर चेक करना है कि कौन सा कार्बन किरल कार्बन बना रहा है या कौन सा असममित कार्बन परमाणु है। तो इसको चेक करने के लिए पहले तो हम लोगों को स्ट्रक्चर जरूरी है, स्ट्रक्चर बना भी लिए हैं। अब हर कार्बन पे आपको बैठना है जाकर, तो हम सबसे पहले इस कार्बन पे बैठे। तो जब इस कार्बन पे बैठे तो हाइड्रोजन कितना नजर आ रहा है, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और तीनों सेम सेम है। हमको क्या चाहिए किरल कार्बन में, हमको तो ये चाहिए कि चारों समूह अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कोई दो ठो सेम नहीं होना चाहिए, कोई अगर दो ठो भी सेम हो जाते हैं तो उनका किरल कार्बन जीरो हो जाता है। यानी कि इसमें तो तीन तीन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसलिए नहीं होगा। अब चलो बीच वाले समझते हैं। तो बीच वाले कार्बन किस किस से जुड़ा हुआ दिखाते हैं। तो बीच वाला कार्बन तो वो नीचे वाला से हो गया इतना बड़ा से, ठीक है, और इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ए बी, और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक अभी सब्स्टिट्यूएंट है। आप इस कार्बन के लिए बताइए किरल कार्बन पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है। तो आप पाएंगे कि यहां पे किरल कार्बन नहीं निकाला जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम सेम हो जा रहा है। देखिए सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे भी, तो दोनों क्या हो जा रहा है, सेम सेम हो जा रहा है। इट मीन्स निष्कर्ष ये निकला कि हम लोगों को अब अगले नंबर पे चेक करना होगा। तो इस अगर सी के वैल्यू पे चेक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे नीचे वाला ऊपर वाला सेम सेम हो जा रहा है। तो कार्बन चूंकि चार बॉन्ड बनाते हैं और चारों में अगर हम लोग चारों को अलग अलग देख लिए तब हम लोग को पता चल गया क्या, ये किरल कार्बन है। तो यहां पे भी नहीं रहा, यहां पे भी नहीं रहा, और यहां पर भी नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुटा हुआ है। तो एक ही कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुटा हुआ रहता है तो ये तीनों तो सेम हो गया ना, हाइड्रोजन कार्बन, ये हाइड्रोजन 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 सेम सेम हो गया, इसलिए सी स्टार इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। यहाँ पे कोई कार्बन कार्बन क्या बोलते हैं किरल कार्बन नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से भी हम लोग को दिमाग लगाना पड़ता है। फिलहाल अगले नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर चार। ये क्या बोल रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है। चौथा एग्जांपल सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, सॉरी वही लिखा गया क्या पीछे, हाँ जी वही लिखा गया तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा लिखा जाए सी एच थ्री सी एच सी एल सी एल सी एच थ्री। चलिए ऐसा कुछ दिया गया है, इसमें किरल कार्बन का पहचान करना है। तो किरल कार्बन का पहचान करने से पहले आपको जो है इसका रिजल्ट लिखना पड़ेगा, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं। सी एच थ्री का हम लोग संरचना बनाएंगे, तो एक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक दो तीन, बॉन्ड है बंद, फिर सी एच, तो सी ऊपर हो गया एच और नीचे हो गया एल, सी एल सॉरी क्लोरीन है ना, फिर माइनस बॉन्ड तो माइनस ले लिया, फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना है तीन ठो, तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ले लीजिए तीन ठो, ठीक है। अब अगर ऐसा चीजें करने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा किरल है और कौन सा किरल नहीं है। तो देखिए सबसे फर्स्ट वाला में जो कार्बन है उससे तो तीनों पक्की बात है हाइड्रोजन जुड़ रहा है। देखिए इस कार्बन से एक तो ये हो गया पूरा ग्रुप, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो तीनों ग्रुप जब इक्वल हो गया तो हम लोगों का आंसर क्या होता है, जीरो।
ठीक है, हम लोगों को जो आंसर आता है वो जीरो आता है, यानी केवल कार्बन में जीरो आंसर आता है। कब? जब यहाँ पे कोई भी केवल कार्बन नहीं बनेगा, इट मीन्स यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा क्या इस कार्बन पे, तो इस कार्बन से देखते हैं, जोड़ते हैं कि कहाँ कहाँ जुड़ रहा है। तो इस वाले कार्बन से एक नीचे जुड़ रहा है, लेफ्ट राइट अपर लोअर, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां से हमको पता चला कि सेकेंड फर्स्ट वाला जो आया था, सेकेंड और थर्ड, यानी कि सेकेंड स्टेप क्या है, कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो इससे इससे केवल कार्बन बनेगा कि नहीं बनेगा, जरा अच्छा से सोचिएगा, क्योंकि केवल कार्बन का मतलब ही होता है कि चार अलग अलग समूह द्वारा अगर जुड़ जाएंगे वो कहलाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सॉरी केवल कार्बन वो प्रतिस्थापन नहीं, प्रतिस्थापन में तो हम लोग चल ही रहे हैं अभी, हालांकि प्रतिस्थापन में ही हम लोग को ये सब पढ़ना है और फिर उसके बाद हम लोग विलोपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे केवल कार्बन का बात चल रहा था, तो यहाँ पे केवल कार्बन सी पे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि जरा इसको और इसको देखिए, दोनों का फंक्शन क्या है, एक ही है। हम क्या बोले कि डी से मतलब कि अगर कोई कार्बन है उससे चार अलग अलग तत्व जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पे चार अलग अलग तत्व नहीं है, तो ये भी खत्म। और इस कार्बन पे चेक करते हैं तो एक कार्बन के लिए तो एक तो पूरा इधर हो गया, सब इसके अंदर आ जाएगा, और हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही ना कार्बन से जुड़ रहा है, दो को से हाइड्रोजन जुड़ गया तब हम बोलेंगे कि सो इट इज सी स्टार, सो इट इज या इट हैज सी स्टार इज इक्वल टू कितना, जीरो। ठीक है, यहां पे जो सी स्टार होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे किसी पे भी केवल कार्बन नहीं थी, यानी कि यहाँ पे कोई असंवृत कार्बन परमाणु नहीं था। तो इसी तरीके से और भी हम सवाल कुछ लिखते हैं और उसको आप केवल कार्बन चुनना है। चलिए अब इतना कर ही रहे हैं तो एक और एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, CH3 CH CL CH2 CH3 CH2 CH3। अब देख पा रहे होंगे कोई भी दिया गया क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर केवल कार्बन की अगर पहचान करना है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर को हम लोग सुधारते हैं, स्ट्रक्चर को ठीक करते हैं तो पता चलेगा कि क्या बन रहा है इसका। ये जो कार्बन है वो कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तीन हाइड्रोजन, तो इस कार्बन की वजह से आप तीन हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन जुड़ गया, फिर बॉन्ड है, बॉन्ड दिया, इस कार्बन का एच तो साथ में नहीं चलता है तो ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ऊपर करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन, नीचे सीएल, फिर एक बॉन्ड CH2 का मतलब फिर से कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, माइनस CH3 ना, तो माइनस सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू सी है। अब H3 तो H का वैल्यू कितना है, तीन, तो H जो है आपको तीन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका संरचना कुछ इस तरीके से बनेगा। जब हम लोगों ने संरचना बना लिया तो क्या करेंगे, फिर तो हमें अब केवल कार्बन चुनना है, सब कार्बन पे बारी बारी से बैठना है और चारों तरफ मुंडी घुमाना है कि चारों अलग अलग तो है ना, तो सबसे पहले इस पे चेक करते हैं, तो इस पे सी स्टार जो बनेगा वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन 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 जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इस कार्बन पे सी स्टार नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सेम ग्रुप सटा हुआ है, सेम ग्रुप सटा हुआ है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक ये जुड़ रहा है, एक ये जुड़ रहा है, एक ये जुड़ रहा है और एक पूरा जुड़ रहा है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि चार हम लोगों को अलग अलग समूह चाहिए जिसमें से तीन को तो एक जैसा है, इसलिए सी स्टार सी पर नहीं बनेगा।
फिर अगले कार्बन पे चलते हैं, उस पर बैठकर हम लोग देखेंगे चारों तरफ कि क्या किरल कार्बन बन रहा है, इस पे देखेंगे। तो इस पे देखेंगे तो एक तरफ तो क्लोरीन है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ सीएल है और सीएचएच इतना है, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। जब सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो एक इस कार्बन से, सॉरी इस कार्बन से एक ये वाला हो गया, दो ठो समूह दोनों अलग अलग है क्योंकि इसमें दो कार्बन, इसमें एक ही कार्बन है। फिर नीचे क्या है, क्लोरीन, तो ऊपर कितना होगा, सॉरी नीचे क्लोरीन है ऊपर हाइड्रोजन कितना है, एच। तो बोला जा रहा है कि क्या ये सी स्टार बनेगा इस वाले कार्बन पर, जी बिल्कुल बनेगा कि चारों अलग अलग है। जब कोई भी चार फॉर्मूला हो या फिर अणु हो पदार्थ, तो अगर जुड़ा रहे तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में तोड़ लेते हैं, और स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद फिर हम लोग उसको देखते हैं कि उस कार्बन जो है वो कितने, चारों तरफ से जो जुड़ा हुआ है वो कितने के लिए है, चारों अलग है कि नहीं है। अगर मान लीजिए चारों अलग नहीं होगा, चारों अलग नहीं होगा, तो फिर हम करेंगे क्या, हम लोग इसको स्ट्रक्चर बना के फिर चीजों को अच्छे से देखेंगे। तो पांच तक के क्वेश्चन किए हैं, और लिख लिया जाए आप खुद से भी घर से बना सकते हैं। अब देख पा रहे होंगे ये जो छह क्वेश्चंस दिया हुआ है, पांच क्वेश्चन, चूंकि पांच क्वेश्चन तो हम खुद बनाए हैं कि किरल कार्बन क्या होता है। तो किरल कार्बन के बारे में आप समझ गए होंगे, किरल कार्बन वैसा कार्बन होता है जिसके चारों फंक्शन अपोजिट अवस्था में या फिर सीधे अवस्था में नहीं चढ़ता है। जैसे कि मान लिया कि छठा सातवां आठवां नौवां, इसमें आपको ये बताना है कि कहां कहां पे सी स्टार लगेगा, ठीक है। तो वो सी स्टार का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यानी कि सबसे मस्ट है हम लोगों का क्या, तो सवाल में किरल कार्बन। फिलहाल अब हम लोग टॉपिक देंगे, अब लिखा जाए विलोपन अभिक्रिया। अब देखिए हम लोग पढ़े थे ना कि अभिक्रिया जो है वो कितने प्रकार का होता है, हम आपको बताए भी होंगे कि पहला अभिक्रिया जो है वो क्या है, प्रतिस्थापन, और इसमें नाभिकस नहीं प्रतिस्थापन भी सीखे हम लोग, उसके बाद प्रकाश समावयवी को सीखे, तो बहुत सारी चीजों का इसमें हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम लोग 12th के ही केमिस्ट्री में अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो टॉपिक है विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, ठीक है, विलोपन अभिक्रिया के नीचे एरो देंगे। अब लिखा जाए टॉपिक विलोपन अभिक्रिया। अब हम लोग सीखेंगे कि विलोपन अभिक्रिया क्या होता है और इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विलोपन अभिक्रिया के नीचे फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो एल्कीन का निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग विलोपन अभिक्रिया में क्या सीखे, इसका जनरल रूल लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले बोला रूल्स में कि कोई भी एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है, आर एक्स को एल्किल हैलाइड, अब इसको किसके साथ करेंगे तो विलोपन अभिक्रिया होगा, तो इसको जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या क्या बनेगा, तो R बनेगा सबसे पहले, K और X दोनों एक साथ मिलेगा
और प्लस H2O बाहर हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, जलवाष्प के रूप में ऊपर उठ जाएगा जल। तो कुल मिलाकर ये है मेरा एल्किल हैलाइड। ये क्या है? एल्किल हैलाइड। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? तो एल्कीन का निर्माण होता है। जरा हम एग्जांपल देंगे तो बताइएगा। एल्कीन और ये तो पोटेशियम हैलाइड है और ये बाहर निकल जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है। तो देखिए बहुत सारी अभिक्रिया है जो ना याद रखना पड़ेगा कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, उस अभिक्रिया में क्या होता है, सबके बारे में डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए। इसमें हम लोग क्या लिखें कि जब कोई भी एल्किल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं हमें क्या बनता है? एल्कीन का निर्माण होता है। तो चलिए अब इसका जरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे एल्किल हैलाइड लेना है, मतलब R का मतलब क्या होता है? कार्बन का चेन। तो यहां पे हम लोगों ने कार्बन का चेन ले लिया, CH, H, H, Br, H। ये हो गया क्या? RX हो गया। क्यों? क्योंकि R का मतलब कार्बन का चेन, इससे X जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो X का मतलब क्या? X का मतलब हैलोजन। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि एक्स हैलोजन जुड़ गया। अब इसका अभिक्रिया किसके साथ? तो KOH के साथ क्या बनेगा? तो यहां पे हमें एल्कीन बनाना है। तो जब एल्कीन बनेगा तो दो को कार्बन है, तो दो को कार्बन का एल्कीन कैसे बनता है? तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और इधर से एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। क्यों भाई? क्योंकि हमको एल्कीन बनाना था। तो एल्कीन क्या होता है? तो डबल बॉन्ड होता है ना एल्कीन, यहां सिंगल बॉन्ड था तो यहां डबल बॉन्ड देंगे तो हाइड्रोजन जो है चार को होगा, क्योंकि सब कार्बन को हमें चार पूरा होना चाहिए। और फिर प्लस KX, तो K का तो K रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमेशा विलोपन अभिक्रिया तभी हो पाएगा जब KOH के साथ रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगा। के हो गया। अब X के रूप में यहां क्या है? ब्रोमीन। तो KBr हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, प्लस ये हमेशा बाहर निकलेगा H2O। तो कुल मिलाकर यहां पे एल्कीन का नाम क्या हुआ? एथीन। यहां पे जो नाम बन रहा है वो एथीन बन रहा है। चलिए इतना सा समझ लिया है, एक और एग्जांपल लेते हैं विलोपन अभिक्रिया। ये एग्जांपल नंबर वन था, हम लोग विलोपन का सीखते हैं। यानी विलोपन में क्या पता चला? कि एल्किल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एथीन बनता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? विलोपन अभिक्रिया। तो चलिए एग्जांपल नंबर टू क्या है? CCC, इसका तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे कि ये भी एल्किल हैलाइड है। क्यों है एल्किल हैलाइड? क्योंकि कार्बन का चेन है और हैलोजन जुड़ा हुआ है CN, क्योंकि हैलोजन का मतलब सीखे ही हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एमफेटाइन आर द क्या? तो हैलोजन, यहां हैलोजन जुड़ रहा है। अब इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कितना? KOH। तो बनेगा क्या यहां पे? कि जितना इधर कार्बन का चेन है, एक दो तीन, तीन कार्बन का चेन है, तो तीन कार्बन का चेन है तो इसीलिए हम लोग इस तीन कार्बन में कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा देंगे, यानी कि इस कार्बन में कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि एल्किन बनाना होता है ना, तो एल्किन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए यहां पे हम डबल बॉन्ड लगा दिए। अब डबल बॉन्ड आपकी इच्छा है कहीं भी लगा सकते हैं, यहां यहां कहीं भी। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कितना हाइड्रोजन घट रहा है, तो यहां पे कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो दो तो ऑलरेडी बना लिया, तो यहां पे
दो हाइड्रोजन और बाकी एक ही जगह कहीं डबल बॉन्ड देना है, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड देना होता है। इस कार्बन को कितना घट रहा है? सिर्फ एक हाइड्रोजन घट रहा है। इसको कितना घट रहा है? तो तीन हाइड्रोजन। इतना तो हो गया, ये अब क्या बन गया? तो तीन कार्बन का क्या है? मैथ एथ प्रोप। तो यहां पे प्रोपीन बन गया। प्लस उसके बाद हमेशा क्या बनता है? तो के साथ जो हैलोजन है, यहां हैलोजन क्या है? सीएल। तो यहां बन रहा है केसीएल और हमेशा H2O बाहर हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल विलोपन अभिक्रिया का, ठीक है। और विलोपन अभिक्रिया में आपको याद आना चाहिए कि इसमें हमेशा एल्किल हैलाइड को किसके साथ करते हैं हम लोग? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं इसमें। तो उसी तरीके से और कुछ लिख लिया जाए, इसी का एग्जाम्पल इसको कंप्लीट करना है जो विलोपन अभिक्रिया का है। अगर मान लिया ऐसे रहेगा CH3 CH2 CH2 BR या I और KOH के साथ रिएक्शन कराना है तो क्या बनेगा? इसको आप खुद से कंप्लीट कीजिएगा। अगर मान लिया ऐसा रहेगा सवाल CH3 CH2 H2 80 रहेगा और इस आंसर टाइम को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना बोलेगा, यानी कि सब विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। हम दो ठो समझा दिए कि अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बनता है। आप इन दोनों को जरूर पूरा कीजिएगा। आगे भी क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं इसमें CH3 CH2 CH2 फ्लोरीन F KOH, CH3 CH2 CH3, यहां पे देख पा रहे होंगे, एक और जोड़ देते हैं, नहीं ठीक है CH2 और यहां पे हम जोड़ देते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यहां ब्रोमीन जोड़ देते हैं क्योंकि हैलोजन में ब्रोमीन भी होता है। अगर इसको हम लोग KOH के साथ कराएंगे तो क्या रिएक्शन कंप्लीट होगा? आप इन चीजों को जरूर बनाइएगा। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? तो सबसे पहले पढ़ा हम लोगों विलोपन अभिक्रिया, और उसके तुरंत पहले विलोपन अभिक्रिया से पहले हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है किरल कार्बन। तो जो क्वेश्चन हम किरल कार्बन दिए हैं बनाने के लिए, वो किरल कार्बन को भी चुनना है कि किरल कार्बन कितना बन रहा है, 1 बन रहा है कि 2 बन रहा है कि 3 बन रहा है। अब उसका पहचान कैसे करेंगे? तो एक कार्बन के साथ चारों जो फंक्शनल ग्रुप हैं जो जुड़े होते हैं वो अलग अलग होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर किरल कार्बन हो जाता है, ठीक है, जिसको असममित कार्बन परमाणु भी कहते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही स्टॉप करते हैं, विलोपन अभिक्रिया तक के पढ़ लिए हैं। अब एक और अभिक्रिया है जिसका नाम है धातु के साथ अभिक्रिया, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।